सागर बांध का गेट नंबर 10 शुक्रवार शाम 7 बजे से अटकने के 40 घंटे बाद भी बंद नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर है, आखिर कब बंद होगा ये गेट। राणा प्रताप सागर बांध का गेट नंबर 10 बंद नहीं हो पाया है। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर 1 फीट से ज्यादा कम हो गया है। शुक्रवार शाम 7 बजे गेट बंद करने के प्रयास के दौरान बांध का जलस्तर 1154.58 फीट पर था, जो कि अब 1155.65 फीट पर पहुंच गया है। सिंचाई विभाग की ओर से शनिवार को गेट बंद करने के लिए कोटा और बांसवाड़ा से भी विशेष टीमें बुलाई गई थी, जो कामयाब नहीं हो पाई। अब बताया जा रहा है कि भोपाल से स्पेशल टीम बुलाई गई है। रविवार को जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर राजीव चौधरी ने बांध के गेट अटकने को मामूली बात कहते हुए आगामी 2 से 3 घंटे में गेट बंद करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बांध से छोड़ा जा रहा पानी नहरों में सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है, जबकि राणा प्रताप सागर बांध के आगे स्थित जवाहर सागर बांध के आगे स्थित कोटा बैराज बांध से 8,888 क्यूसेक पानी गेट नहरों से न छोड़कर बांध के गेट से ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। संवाददाता आशीष इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष, 2 से 3 घंटे की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ तो 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। आखिर क्या वजह है कि गेट बंद नहीं हो पा रहा, और आगे क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की ओर से? देखिए, लगता है कि WRD विभाग की जो इंजीनियर्स है उनकी इंजीनियरिंग फेल होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कल दोपहर 3 से 4 बजे तक का दावा किया गया था कि 3 से 4 बजे के बीच में गेट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं WRD विभाग के इंजीनियर्स की है। और यहाँ तमाम तरह की जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों क्यूसेक पानी बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि जो गांव यहाँ पर बसे हुए हैं उन पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में हजारों की तादाद में यहाँ पर जानवर आते हैं, और न केवल जानवर आते हैं बल्कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग भी रहते हैं। तो कहीं पानी का जो जल स्तर है वो गाँव की तरफ ना चले जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। न केवल जिला प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट किया गया, बल्कि जिला कलेक्टर को भी नहीं बताया गया था। कल हमने जिला कलेक्टर से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। देखिए आशीष, इस पूरे मामले पर जी राजस्थान ने चीफ इंजीनियर राजेश जी से बातचीत करने की कोशिश की, उनको फोन लगाया गया, उनसे ये जानने की कोशिश की गई। राजीव चौधरी चीफ इंजीनियर हैं, उनसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात कर पाएं, लेकिन वो साहब है कि प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। लगातार हमने कोशिश की है, फोन लगाया गया, लेकिन वो ऑनलाइन यानी कि टीवी पर बात करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। जाहिर है कि सारी तस्वीरें बता रही हैं कि हुक्मरानों के पास कुछ भी जवाब नहीं है 40 घंटे बीत जाने के बाद। जी बिल्कुल, कल राजीव चौधरी ने अपने विभाग के अधिकारियों की लापरवाही छुपाई, और उसके बाद में जो है वो दावा करते रहे कि ये जो घटना है कोई मामूली घटना ही बता रहे थे, लेकिन सवाल यही कि 40 घंटे के भीतर यदि गेट बंद नहीं होता है तो क्या ये मामूली घटना है, और यदि ये मामूली घटना है तो फिर चीफ इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनकी इंजीनियरिंग पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लाखों क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा चुका है। बिल्कुल, देखिए आशीष, न केवल राजस्थान की टीम बल्कि भोपाल की टीम भी यहाँ जब राजीव चौधरी 2 से 3 घंटे का वक्त बता रहे थे, तब वो जब मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे सकते हैं, इसको छोटी घटना बता सकते हैं, तो 40 घंटे बीत जाने के बाद वो मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहे हैं? क्यों उनके पास जवाब नहीं है? क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि सारे इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग सारी फेल होती नजर आ रही है? यहाँ पर अगर ये जलस्तर बढ़ता है तो क्या कुछ हालात पैदा होंगे, इस बात की जानकारी शायद उनको नहीं है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आगे गांव में दिक्कत हो सकती है, पानी लगातार बहता रहा है, और न केवल पानी बह रहा है बल्कि उफान मारता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि WRD विभाग के उच्च अधिकारियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी इस बात की सूचना तक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो WRD विभाग के तमाम इंजीनियर्स हैं उन्होंने शायद सरकार को ये बताना उचित नहीं समझा है, उच्च अधिकारियों को ये बताना उचित नहीं समझा है, क्योंकि लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और लापरवाही को छुपाने के लिए इंजीनियर जो है इस बात को बात बता नहीं रहे हैं, लेकिन
जी मीडिया लगातार यही मुद्दा उठा रहा है कि आखिरकार किस तरह से लापरवाही होती रहेगी। न केवल पहली बार इस बांध में गड़बड़ हुई है बल्कि इससे पहले बीसलपुर बांध में भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। उस बार हुआ यूं था कि गेट खुल नहीं पाए थे, जब बांध का ओवरफ्लो हो गया था तो एक गेट नहीं खुल पाया था, तो तमाम तरह की जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है वो पहले से ही डब्ल्यूआरडी विभाग ठीक क्यों नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल आशीष देखिए तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने खुद चीफ इंजीनियर से बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया, उनके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है। ये बताता है कि यहाँ पर बड़ी लापरवाही बरती गई है, बड़ी नाकामी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए आशीष।